Hey guys, good morning and welcome back to my channel. This is your friend Nisha and those who are new, welcome to my channel. आज है वीकेंड और मेरा वीकडेज बहुत ही हेक्टिक रहा, तो वीकेंड्स पे सेल्फ पैम्परिंग होना तो ज़रूरी है. सो यू सॉ मी जस्ट मेकिंग एलोवेरा जेल, सो आई एम गोइंग टू पैम्पर माई हेयर टूडे एंड राइट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मेक होल फिश करी फॉर रोहित. तो मैंने सोचा कि जब मैं होल फिश करी बना ही रही हूँ तो उसके साथ क्यों ना विलेज स्टाइल में जितने भी साइड डिशेस हैं वो भी बना लूँ और आप सबके साथ शेयर भी करूँ. सो लेट्स गेट अप टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड देन वी विल हैव सम गुड टाइम. तो चलो चलते हैं, फर्स्ट हेयर पैम्परिंग एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एंटर द किचन एंड मेक सम यमी एंड डिलीशियस विलेज स्टाइल फूड. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये हो गया मेरा एलोवेरा जेल एप्लीकेशन ऑन माय स्कैल्प एंड बैक साइड ऑफ माय हेड. अभी मैं इन्हें अपनी टिप्स में भी लगा लूँगी और उसके बाद जब ये ड्राई होगा, वी आर नॉट गोइंग टू शैम्पू इट, इसके बाद जब ये ड्राई होगा यू वुड सी दैट कि मेरे हेयर कितने सिल्की एंड शाइनी लग रहे हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू शैम्पू आवर हेयर टुडे. कल जब मैं ऑफिस जाऊँगी तो मैं अपने बालों को शैम्पू करके ऑफिस जाऊँगी, बट टुडे वी आर गोइंग टू लीव इट एज इट इज़. तो अपने टिप में मैं एलोवेरा जेल लगाने के बाद आई एम गोना गेट स्टार्टेड विद कुकिंग. तो चलो चलते हैं, मैं अप्लाई कर लेती हूँ और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे. फिलहाल तो हमारे बाबू साहब उठ चुके हैं, यानी कि रोहित अभी उठा है, तो एक एक कप चाय हो जाए. काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, एक एक कप चाय हो जाए और उसके बाद हम लोग बनाएंगे वो डिशेस जो हमने डिसाइड किया है. बट उससे पहले मैं आप सबके साथ एक जोक शेयर करना चाहूँगी. मेरे साथ एक जोक हुआ है. कल रात को एक्चुअली हमने दो बड़े बड़े मैकरल फिश ऑर्डर किए थे और उसको उसी होल हमने कट नहीं करवाया था, वैसे होल ही हमने उसको फ्राई किया था. तो डिनर में एक फ़िश को रोहित और मैंने शेयर करके खाया था और एक फ़िश मैंने रखवाया था आज के रेसिपी के लिए. बट पता है उसके बाद क्या हुआ, मेरे सोने के बाद रोहित ने आधा उसे खा लिया. सो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी फिश टू मेक होल फिश करी. तो फिलहाल हमें फिश मार्ट से मंगवाना पड़ेगा एंड ओनली देन आई कैन मेक दी होल फिश करी. तो राइट नाउ लेट्स हैव अ कप ऑफ टी विथ रोहित. आप भी अपना चाय बना लो और एंजॉय करो और उसके बाद हम लोग बनाएंगे जो लंच हमने प्रिपेयर किया है, यानी कि जो लंच हमने डिसाइड किया है. सो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी. चाय बन गई है, चलो इसे लोटे में छाना है मैंने.
थोड़ा डाल देती हूँ यहाँ पे, रोहित के चाय में डलेगी 1 चम्मच चीनी, मैं लूँगी बगैर चीनी के। रोहित, रोहित चाय, रोहित चाय, उठो, मैं ब्लॉक कर रही हूँ। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी करके रख लिए हैं। और ये होल फिश करी के लिए, ये है रॉ बनाना का, हम पातोई बनाएंगे। पातोई इज़ द मणिपुरी डिश। देन आई हैव जिंजर गार्लिक पेस्ट विद चिली, एंड मैंने यहाँ पे ब्रिंजल काट के रखा है, कोरिएंडर। बस जो मेन इंग्रेडिएंट है फॉर होल फिश करी वो अभी तक नहीं आया, दैट इज़ आवर फिश। तो जब तक वो आता है हम इसको मैरिनेट कर देते हैं। तो इसको मैं बस थोड़ा सा टर्मरिक, जीरा पाउडर और फिर ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट से मैरिनेट करके रख दूँगी। और फिर हमारा जो रॉ बनाने का पालतोई, जो विष्णुप्रिया मणिपुरी डिश है, वो बनाना शुरू कर दूँगी। हम लोग उसे कास्कोला पालतोई कहते हैं, तो वो बनाना शुरू कर दूँगी। आई जस्ट हैव टू स्टीम इट, उतना ही करना है। और उसके बाद उसको स्मैश मैश कर लेंगे, नॉट स्मैश, मैश कर लेंगे। और फिर जब फिश आ जाएगा तो हम होल फिश करी बनाना शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे ऐसे, एंड देन वी विल ऐड सम टर्मरिक पाउडर। डब्बे खोल खोल के निकालना है, इस टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा नहीं बस इतना ही। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। मैं रेड चिली पाउडर यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर हम थोड़ा कम खाते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर वी कंज्यूम मोर, एंड रॉ चिलीज। गाड़ियों की काफ़ी आवाज़ आ रही है, बारिश भी होने वाला है, तो फटाफट बना लेते हैं। आई होप कि हमारा फिश जल्दी आ जाए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर। और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए हम हल्का सा जस्ट ऑयल डाल देंगे इसमें। तो मैं जस्ट ऑयल निकाल रही हूँ, हल्का सा ऑयल, ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे गाइज आपको शेडो दिख रहा होगा क्योंकि काफ़ी ब्लैक क्लाउड, मतलब बारिश होने वाले, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई है, तो काले घने बादल छाए हुए हैं, अंधेरा हो रहा है। फिलहाल तो दोपहर का वक्त है, तो इसे अच्छी तरह से हम अपने हाथों से मसाज करेंगे ताकि जो मसाला है इवनली हर जगह स्प्रेड हो जाए। ये जो है बैगन भाजा बोलते हैं हम लोग, ये हमारे यहाँ काफी प्रिय है। लोग इसे वेज फूड जब बनता है तो ज्यादा खाते हैं, पर आज मैं, क्योंकि रोहित ने लाके रखा था तो मैं इसे बना रही हूँ। बहुत आवाज हो रही है, सो प्लीज इग्नोर दैट। तो ये हमारा मसाला स्प्रेड हो गया है, इसे मैं ऐसे ही फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि मैरिनेट हो जाए, और जब इसे हम फ्राई करें तो ये डिलीशियस बन के तैयार हो। तो ये हमारा रेडी है, इसमें फ्रिज में डाल रही हूँ। तो अब बारी है पालतोई की, जो रॉ बनाने का पालतोई मैंने बोला था, कास्कोला पालतोई हम लोग बोलते हैं, तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि उसे हम स्टीम करेंगे, तो बनाना को मैं बॉईल करूँगी और उसके ऊपर स्टीम होने के लिए मैं ये ड्राई फिश का जो हिदोल हम लोग बनाते हैं वो रखूँगी, और ग्रीन चिलीज, और इन्हें स्टीम कुक करूंगी और रॉ बनाना को बॉईल कर लूंगी। तो उसका सेटअप मैंने कर लिया है, लेट मी शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। तो मेरा स्टीमर मैंने चढ़ा दिया है, अब स्टीमर में मैं इन रॉ बनानास को डालूंगी। और इसके ऊपर स्टीम कुक करने के लिए मैं हिदोल और ग्रीन चिलीज को रख दूंगी और इसे सो। तो ऑलमोस्ट ये
हाफ ऑफ द प्रिपरेशन इज डन। जब ये पक के तैयार हो जाएगा हम इसे मैश कर लेंगे, थोड़ा बहुत कोरिएंडर, रॉ अनियन ये सब डाल के इसे मैश कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी डिश है, बट लाजवाब, डिलीशियस इट इज। साथ ही साथ आपको मौसम का हाल दिखाती हूँ, ये देखिए बारिश हो रही है, काफी बारिश हो रही है, उतना तेज नहीं है फिर भी मौसम काफी बेईमान है। वीकेंड वेदर यार, मुझे नए यूटेंसिल्स खरीदने हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं मेरे यूटेंसिल्स। तो मैं ये पैन यूज़ कर रही हूँ जिस पे मैं बैंगन को फ्राई करूँगी, और साथ ही साथ इस चूल्हे पे मैं राइस को भी बना लूँगी, ताकि आखिर में बचा रहेगा तो वो है होल फिश करी बनाना। तो सारे यू नो रेसिपीज़ बन के तैयार हो जाएंगे, तो फटाफट हम होल फिश करी बना लेंगे। तो जब तक ये पैन गर्म होता है मैं राइस को वॉश कर लेती हूँ। पैन भी गर्म हो चुका है, राइस भी धुल के रेडी है, तो मैं राइस यहाँ बिठा देती हूँ और उसके बाद पैन में ऑयल डाल दूँगी। तो पहले तो राइस बिठा दिया, एंड नाउ सिंस द पैन इज हॉट उसमें हम डालेंगे तेल, इतना काफ़ी है। तेल गर्म हो चुका है तो उसमें मैं इन मैरिनेटेड ब्रिंजल को डाल दूँगी। धीमी आंच में इसे पका लेंगे। अब इसको हल्का सा पलट लेंगे, उलट पलट के हम इसे पकाएंगे। मतलब हम उलटेंगे पलटेंगे नहीं, हम बैंगन को फ्लिप कर करके पकाएंगे ताकि एक साइड में जले ना ये। तो हमारा ब्रिंजल बन के तैयार हो गया है, हम इसे यहाँ निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर में निकाल दें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोक कर ले, और कितना सॉफ्ट बना है ये, हमारे यहाँ काफ़ी खाया जाता है। आई लव दिस, वैसे तो मैं अपना ब्रिंजल खाती नहीं हूँ, बट आई लाइक दिस डिश। सो फाइनली हमारे फिश आ गए हैं, हमने हाफ किलो ही मंगवाया है, सो दिस इज मैकरल फिश। तो इसे मैं अभी मैरिनेट करूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। तो मैरिनेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बस बेसिक मसाला डालूंगी और इसमें लेमन स्क्वीज करूंगी और फिर उसको पकाना शुरू करूँ। उसको पकाने का तरीका काफ़ी सिमिलर है विलेज स्टाइल में, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन। फिश हमारा धुल चुका है, इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी टर्मरिक, ज़्यादा नहीं हल्का सा ही, फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, फिर थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर। क्यूमिन पाउडर, अब हल्का सा सॉल्ट टू टेस्ट। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, और याद रखिएगा कि आप करी में भी सॉल्ट डालेंगे तो इसमें इतना सॉल्ट की ज़रूरत है नहीं। तो हल्का सा डालेंगे हम, और फिर इसमें हम लेमन को स्क्वीज करेंगे। तो हम इसमें लेमन स्क्वीज कर रहे हैं, अभी लेमन स्क्वीज हो गया है, अब हाथ से हम इसको मिक्स कर देंगे। सो गाइस, क्योंकि फ़िश काफ़ी लेट आया तो मेरे पास अभी वक्त नहीं है, थोड़ा बहुत फ़िश मैरिनेट हो चुका है, तो मैं फ़िश फ्राई और फ़िश करी का प्रोसेस दोनों एक साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो दोनों मैंने एक कढ़ाई और एक पैन लगा दिया है, गैस पे चढ़ा दिया है। तो इसमें मैं फ़िश फ्राई करने वाली हूँ और इसमें मैं करी का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी अभी। तो हमारा पैन और कढ़ाई आई गेस दोनों गर्म हो चुके हैं, तो हम इसमें डालेंगे तेल। Thank you.
यहाँ पे करी के लिए तेल। तो तेल गर्म हो चुका है, हम अभी मैरिनेटेड फिश इसमें डालेंगे और मुझे फिश फ्राई करने में डर लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि टाइम नहीं है, तो फिश फ्राई के साथ साथ मैं फिश करी का भी प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। तो पहले हम डालेंगे इसमें इलायची। हम इसमें डालने वाले हैं 5 पूरन, डालेंगे थोड़ा सा हींग, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची। हम हल्का ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हल्का ब्राउन होगा हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसमें मैंने हल्का सा चिली भी डाला हुआ है। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अब इसे अच्छी तरह से हम स्टर करेंगे। इसका जो रॉ फ्लेवर है उसके जाने तक का हम वेट करेंगे। इसका जो रॉ फ्लेवर है वो जा चुका है, तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को जल्दी से पकाने का एक ही तरीका होता है कि आप इसमें सॉल्ट स्प्रिंकल कर दो, तो मैं वही करने जा रही हूँ। और ये गया इसमें सॉल्ट। बाद में हम टेस्ट के मुताबिक अगर और चाहिए तो ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से टमाटर को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आँच को हम कम करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक के थोड़ा सा पकाएंगे। तब तक हमारा फिश भी यहाँ फ्राई हो रहा है। हल्का हल्का सा टमाटर मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे। और मसाले में कुछ खास है नहीं, वही बेसिक सा मसाला हम डालेंगे इसमें। हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा डालती हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और इसे अब हम ढक के और थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पे फिश फ्राई का आवाज़ इतना तेज़ आ रहा है। जब तक हमारा फिश करी बनता है तब तक हम कासकोला पालटोई बना लेते हैं। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ले लिए और एक मैशर ले लिया है। यहाँ पे है स्टीम चिली, देन हमारा हिदोल, फिर सम रॉ अनियंस, सॉल्ट। तो सबसे पहले हम इसे मैश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चिली से। एक्चुअली ट्रेडिशनल वे में हम लोग हाथ से इसको मैश करते हैं या फिर एक ग्लास से, पर मैं मैशर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अब हम इसमें जो हमने रॉ बनाना को बॉईल किया था उसे डालेंगे। तो ये आया हमारा रॉ बनानास, इन्हें भी अच्छी तरह से मैश करके मिक्स कर देंगे। आई थिंक यूटेंसिल्स मैंने थोड़ा छोटा सा ले लिया है। तो अब हम इसे स्पून से ही मिक्स कर लेंगे क्योंकि काफ़ी हद तक ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें, वाह क्या खुशबू आ रही है, अब हम इसमें कोरिएंडर डाल देंगे। इतना कोरिएंडर काफ़ी है।
तो ये हमारा कासकोला का कच्चे केले का पाल्टोई बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं बॉल बना के रखूंगी ताकि राइस के साथ सर्व कर सकूं। तो पूरा हम अभी खा नहीं सकते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं दो ही बॉल बना के रखूंगी। एज अ साइड डिश इट टेस्ट डिलीशियस। तो ये हो गया रोहित के लिए और ये हो गया मेरे लिए, बाकी का हम डिनर में खा लेंगे। Here it is. बाकी मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी। मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया है तो मैं इन टोमेटो को थोड़ा सा मैश कर दे रही हूँ ताकि अभी मैं इसमें पानी ऐड कर सकूँ, वरना ये टमाटर ऐसे रहे। जनरली हम टमाटर को ऐसे रख भी देते हैं, पर आज मैं ऐसे अच्छी तरह से मैश करके कुक करूँगी। आई थिंक थोड़ा थोड़ा मैं रखूँगी ऐसे, और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। वाटर फिलहाल तो मैं एक गिलास पानी डालूंगी। फिश डालने के बाद हम देखेंगे कि और थोड़ा पानी ऐड करना है कि नहीं, क्योंकि इसे हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रहे, थोड़ा सा थिक ग्रेवी होगा इसका। बस इतना ही, अब इसे ढक के हम और थोड़ी देर पकाएंगे। और फिश फ्राई इज रेडी है, तो हम इसे अभी ग्रेवी में डाल देंगे। जो पहले प्लेट हटा देते हैं, ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो इसमें हम फिश को डालेंगे। लेट मी यूज द टॉन्ग टू ऐड द फिश हियर। तो ये है हमारा पहला फिश एंड देन दूसरा फिश। इसको हम इसमें अच्छे से धीमी आंच में पकने देंगे। थोड़ा सा ग्रेवी इसके ऊपर भी डाल देती हूँ। हम इसे ढक के पकाएंगे। So guys, our gravy is ready. बनके हो गया है तैयार विलेज स्टाइल होल फिश करी। अब इसको गार्निश करने के लिए मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर और थोड़ा सा, और इसे ढक के रख दूंगी। तो अब वक्त हो चला है लंच का, पर लंच से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि लंच से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ नथिंग एल्स बट माय हेयर कंडीशन। बिकॉज आपने मुझे देखा था एलोवेरा अप्लाई करते हुए, एलोवेरा जेल अप्लाई करते हुए, जो होममेड एलोवेरा मैंने बनाया था। सो मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद कुकिंग भी की, बट स्टिल यू कैन सी माई हेयर इज़ ऑल सेट। ठीक है, वैसे पार्लर वाली सेटिंग तो है नहीं, आई डोंट गो टू पार्लर। मैं घर पे ही जो कुछ कर पाती हूँ वही करती हूँ। सो यू कैन सी दैट माई हेयर इज ऑल सेट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। सो दिस इज हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर अप्लाइंग एलोवेरा जेल, नॉट एरो, एलोवेरा जेल। क्या कोई देख के बता सकता है कि मैंने अपने बालों को शैम्पू किया ही नहीं है? राइट आप बोल ही नहीं सकते कि मैंने शैम्पू किया ही नहीं है। सो एलोवेरा हैज़ फिक्स माई हेयर सो नाइसली, और काफ़ी स्मूथ लग रहा है व्हेन आई एम टचिंग इट। अभी भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स बाकी है मेरे बालों में, क्योंकि इतने सारे मेडिसिन मैंने लिए थे तो उसकी वजह से बहुत सारे हेयर फॉल हुए थे, और फिर वक्त तो लग जाएगा इसे रिपेयर होने में, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ आफ्टर अप्लाइंग एलोवेरा जेल। ये है हमारा आज का लंच, विलेज स्टाइल फूड, बैगन भाजा, कासकोला पाल्टोई एंड होल फिश करी। आज हम एंजॉय करने वाले हैं इसे, सो आई कांट वेट, लेट्स स्टार्ट। वाकई
लाजवाब बना है रोहित। बैठ जाओ अब खाना खा लो। गाइस खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। रोहित इज फीलिंग शाय तो वो कैमरे के सामने नहीं खाना चाहता है, इसलिए मैं बैठ गई कैमरे के सामने, वरना मुझे उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना था। एनी हाउ दिस इज अमेजिंग। फिश टेस्ट करते हो रोहित? दिस इज रियली ग्रेट। I'm such a good cook, na? तो चलो मैं लंच रोहित के साथ एंजॉय कर लेती हूँ, शाम का कुछ प्लान करते हैं। बस यादें रह जाती है, छोटी छोटी बातें रह जाती है, बातें रह जाती है, बस यादें। तो आप सब ने मुझे गाते हुए और रोहित को गिटार बजाते हुए देखा और सुना। नाइदर ही इज़ अ गिटारिस्ट नॉर आई एम अ सिंगर, वो तो आपको पता ही चल गया होगा, बट आई होप हमारी ये जुगलबंदी आपको क्यूट वे में अच्छा लगेगा। शाम को ऐसा कुछ खास हमारा प्रोग्राम बना नहीं, तो हम लोग कहीं बाहर गए ही नहीं, तो इसी तरीके से जुगलबंदी करते हुए हम दोनों ने अपना वक्त बिताया शाम का। बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर देते हैं। आप सब रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, और ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर भी कर देना वीडियो को, ताकि और भी लोग हमारे वीडियोस को देख पाएँ। तो चलो फिर चलती हूँ मैं, और आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो पे। अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑफ कोर्स ईट हेल्दी। बाय।